तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, बाजरे के प्रति क्विंटल 450 रुपए आएंगे या नहीं, तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, मेरे पास आपकी इतनी ज़्यादा कमेंट आ रही हैं कि सर बाजरे के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, क्या कारण है, क्यों अभी तक खाते में नहीं आए हैं, ये पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, हमें लगता है नहीं आएंगे। बहुत सी आपके सवाल हैं, हर वीडियो के नीचे आप बाजरे की कमेंट जरूर करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आपने कमेंट कर रखी है। किसान भाइयों, बहुत से मैसेज अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, मेरे पास भेज रहे हैं, तो देखिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस भी किसान का बाजरा ऑनलाइन पास है उन सभी के पैसे खाते में 450 रुपए प्रति क्विंटल जरूर डलेंगे। आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में आपको बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं लेकर आना है कि आपके पैसे नहीं आएंगे। किसान भाइयों, आपको पैसे जरूर मिलेंगे, आपके खाते में पैसे जरूर आएंगे। किसी काम को होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पूरा नहीं हो। किसान भाइयों, पिछली बार भी क्या हुआ था कि जो पैसे हैं वो बहुत से किसानों के 2 महीने बाद आए थे। यदि किसान भाइयों पैसे तो पहले आने शुरू हो गए थे लेकिन बीच में ब्रेक लेकर फिर पैसे डले, तो इस प्रकार करके 4-5 बार ऐसी ट्रांजेक्शन हुई जिसमें किसानों के पैसे डाले गए। और अभी तक इस साल केवल अभी तक एक बार पहले पैसे डले, फिर लगभग 25 दिन किसान भाइयों लगभग 20 दिन बाद फिर से पैसे डाले गए और 2 ही अभी तक ट्रांजैक्शन की गई हैं। तीसरी बार अभी पैसे नहीं आए हैं और पैसे किसान भाइयों आपके खाते में जरूर पहुंच जाएंगे। जिस भी किसान भाई के अभी तक पैसे नहीं आए हैं वह बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं। अगर आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है और आपका जो बाजरा है वो बिल्कुल सही प्रकार से पास है तो आपके खाते में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं पहुंचेंगे। आपके खाते में पैसे जरूर पहुंचेंगे। जिस प्रकार पिछली साल सरकार ने डाले थे वैसे ही इस बार सरकार पैसे डाल रही है, लेकिन किसान भाइयों काम को पूरा होने में समय लग जाता है, इसलिए आप इंतज़ार कर लीजिए। कुछ कारणों से पैसे अभी तक नहीं आए हैं लेकिन जल्द से जल्द जो पैसे हैं वो आपके खाते में जरूर आएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे जरूर आएंगे। आप किसी भी बात पर अभी ऐसे दिमाग न लगाएं कि पैसे नहीं आएंगे। किसान भाइयों, जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियोस के माध्यम से देता रहूंगा, जैसे ही कोई अच्छी अपडेट आती है तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको कहा था कि पैसे आने वाले हैं लेकिन किसान भाइयों किसी कारणवश वह पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जैसे ही ट्रांसफर होते हैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगी, और कोई अपडेट आती है कि पैसे अब आने वाले हैं या इस दिन आने वाले हैं तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपकी चिंता इतनी दूर कर देता हूं कि पैसे आएंगे या नहीं, तो किसान भाइयों पैसे जरूर आएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाइम अभी ऐसा कोई निर्धारित नहीं हुआ है कि इस डेट पर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और भी मैं आपको वीडियोज के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि अभी किस किस कैटेगरी के किसानों के पैसे नहीं आए हैं, कौन कौन से किसान अभी बचे हुए हैं, क्योंकि किसान भाइयों इसमें भी कई प्रकार के जो तरीके हैं, कई प्रकार के अलग अलग डिजाइन के किसान हैं जिन्होंने बाजरा अपना मंडी में बेचा था, और भी बहुत सी ऐसी जो किसान हैं जिनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। क्योंकि जो सिंपल किसान थे जिन्होंने बाजरा नहीं बेचा, ऑनलाइन केवल बाजरा ही किया था अपनी फसल में, उन किसानों के जो पैसे हैं लगभग ट्रांसफर हो चुके हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना बाजरा मंडी में बेचा था, या और बहुत से ऐसी कैटेगरियाँ हैं, वो आपको मैं एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि इन किसानों के अभी पैसे नहीं आए हैं लेकिन पैसे उनके भी खाते में डाले जाएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है, बाजरे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों चिंता मत करना, पैसे जरूर आएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।